शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लुधियाना ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। गगनदीप की महिला मित्र को हिरासत में ले लिया गया है। कॉल डिटेल्स के बाद महिला मित्र को हिरासत में लिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के खन्ना से पुलिस ने महिला मित्र को हिरासत में लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के खन्ना से महिला मित्र को हिरासत में लिया गया है। लुधियाना ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। गगनदीप की महिला मित्र को, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों की आपस में इस पूरे ब्लास्ट से पहले बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल्स के जरिए ये बात सामने आई है, जिसके बाद महिला मित्र की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दो दिन पहले लुधियाना में धमाका हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और अब ये खुलासा हो रहा है कि इस धमाके के तार विदेश से जुड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान से। पंजाब के डीजीपी को आप सुनेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। धमाके के पीछे नार्को और टेरर एंगल का खुलासा भी डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। क्या कुछ कहा डीजीपी ने, सुनिए जरा। जिहड़ा डिसीज्ड है, ही वॉज कैरिंग द एक्सप्लोसिव, बट दैट वॉज एन इनिशियल असैसमेंट। जिवें जिवें साडी इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी गई, सानू यकीन हो गया कि यस, दैट वॉज द करैक्ट पिक्चर वट एक्चुअली हैपन्ड। वट इज इम्पॉर्टेंट इज विद इन 24 आवर्स वी कुड ट्रेस द मेन अक्यूज। He turned out to be a dismissed head constable of Punjab police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. Arrested him, Gagandeep Singh. Us vele e thana sadar da munshi honda si. 385 gram heroin ede kolo milya. Ede naal saathi si ede Amandeep and Vikas, jina kolo 400 gram heroin hor milya si. 2 साल जेल ते रहन तो बाद गगनदीप बेल होया। इना दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ टेरर आउटफिट्स, विथ माफिया आउटफिट्स, एज वेल एज नारकोटिक स्मगलर्स, ये उभर के आया सामने। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम चीजों का खुलासा उन्होंने किया, कहा कि पाकिस्तान का एंगल भी हो सकता है, और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि देखिए, टेरर और ड्रग्स और आतंकवाद और अपराध, इन सबका एक बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं। सवाल ये कि महिला मित्र को जो गिरफ्तार किया गया है, उससे और क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद? देखिए, जिस तरह से पंजाब के जो डीजीपी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नार्को टेरर का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लुधियाना ब्लास्ट हुआ है, उसके तार जो है विदेशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो व्यक्ति, यानी कि गगनदीप सिंह जो मारा गया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस में कार्यरत था, तो जहां से उसको डिसमिस किया गया था एनडीपीएस एक्ट में, उसमें डिसमिस किया गया था, और 24 दिसंबर को उसकी पेशी थी। तो जो पंजाब के डीजीपी है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो अभी तक जो प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने केस को लेकर जो था, वो कहीं ना कहीं ये बम प्लांट यहां पर कर रहा था। लेकिन जिस तरह से टेरर अटैक की बात यहां पर की जा रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इनिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है कि इसमें कौन सा आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरह से जो कॉल डिटेल्स उसकी निकली है, उसमें से एक महिला कांस्टेबल की बात जो यहां पर की जा रही है, और खन्ना जो एसपी ऑफिस है जहां पर वो कार्यरत थी, तो एक बड़ी अहम जानकारी ये है कि अब इसमें और कितने लोग जो है वो संलिप्त है, क्योंकि जिस तरह से जो महिला है उसको हिरासत में ले लिया गया है, अब उससे भी पूछताछ जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। और जिस तरह से बेअदबी की घटनाएं लगातार पंजाब में हो रही है, टिफिन बम लगातार मिल रहे हैं, ड्रोन पाकिस्तान से लगातार आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को इशारा किया है कि इस लुधियाना जो बम ब्लास्ट हुआ, उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, तमाम घटनाओं से भी हो सकता है निश्चित तौर पर। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी बताया था, एक बड़ा टास्क कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निपटना। लेकिन इस बीच 24 घंटे के अंदर ये बड़ा खुलासा हो गया है। डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है।